साथ है संजीव भसीन साहब है, राजेश पालिया जी हैं, और कुछ कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर फोकस कर लिया जाए। साथ ही अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो भी होगा। हाँ वो भी होगा, बिल्कुल होगा, आएगा बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक शेयर पर राय ले लेते हैं, वो है जुबिलेंट फूड्स का, जिसपे हमने बात की थी बाजार खुलने से पहले भी, लेकिन एक राय भसीन जी की ले लेते हैं क्योंकि अभी ये स्टॉक आ चुका है दिन के ऊपरी स्तर पर, 2% का मूव है। मिस्टर भसीन, आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी और वो तो ये मान रहे हैं कि दूसरी तिमाही के जो नतीजे होंगे वो बहुत दमदार आएंगे, ऑपरेटिंग इनकम हो, प्रॉफिट हो, 50% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफी दिन शांत रहने के बाद ये स्टॉक वापस एक्शन में भी आ रहा है, आपकी सलाह क्या है इन स्तरों पर? तो दीपाली, हमने ऊपर भाव पे इसमें सेलिंग के लिए राय दी थी बिकॉज वी थिंक डंकिन डोनट्स का जो प्रेशर है वो मार्जिन को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, बट एक यू नो ये इसकी फ्रेंचाइज बहुत बढ़िया है, इवन दो देर इज बीन कॉम्पिटिशन हमें लगता है इट विल बी अ मार्केट परफॉर्मर। वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है, इस कारण से हमारा इस भाव पे इसमें निवेश करने का कोई पॉइंट नहीं है, वी वुड अवॉइड दिस स्टॉक एट दिस प्राइस। उससे अच्छा जैसे आपको कहा है हमारे लिए ITC हैज बीन आर फेवरेट, ITC, नेस्ले, डाबर विल बी द 3 टॉप पिक्स, और लीवर अगर आपको फिर से 1575 के करीब मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए। तो ये रहा है जुबिलेंट फूड्स को अवॉइड करें, और अगर लेना है तो ITC, HUL जैसे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। गुजरात अल्कलीज एक बार फिर से देखेंगे, अभी 6% के उछाल के साथ 612 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन एक स्टॉक जिसमें हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ एक्शन हुआ है सुब्रोस का, और सुबह संदीप जी ने उनकी जो पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट थी उसमें सुब्रोस शामिल भी था, 6% का उछाल है और कल 372 के उस पर कर रहा है। आशु मदान साहब ने पसंद किया था सुब्रोस, हाँ क्लोजिंग वाले शो में वो बोल के गए सुब्रोस मुझे बहुत पसंद है, और आज संदीप जी बोल गए तो अब तो ये तो भागने ही भागने, इसको कौन रोक सकता है। लेकिन और कितना ऊपर जा सकता है इस पर राय ले लेते हैं कुणाल जी की। कुणाल जी बताइए एक राय अपने सुब्रोस पर। देखिए बेहतरीन काउंटर है दीपाली, और हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी है, और आज इसमें चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट 360 रुपए के ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है 410 तक का एक मोमेंटम बनेगा, बिल्कुल बाय करना चाहिए, डाउनसाइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मुझे नहीं लगता 360 के नीचे जाना चाहिए, और ऊपर की ओर जगह पूरी खाली है, मुझे लगता है 410 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो यहां से 10% की तेजी की गुंजाइश है, मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बाय करने की सलाह है सुब्रोस, इन स्तरों से भी अच्छी तेजी स्टॉक में बन सकती है। मिस्टर भसीन, एक राय अपनी टाइटन पर भी दीजिए, इस स्टॉक पर हाल फिलहाल में ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू काफी मिला जुला रहा है और टारगेट्स भी वो घटा रहे हैं, स्टॉक काफी करेक्ट भी हो चुका है, अब 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी का मौका है इन लेवल्स पर या फिर रुकेंगे थोड़ा? नहीं दीपाली, बिल्कुल अवॉइड है, हम ये आपको बता रहे हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी आ गई, 73 रुपया हो गया, अर्जेंटीना टर्की सारा इतना अचंबा आ गया, लेकिन सोने का भाव बढ़ता ही नहीं है, तो गोल्ड इज इन अ लूजिंग बैंड, और हमें लगता है एनीथिंग रिलेटेड टू गोल्ड एंड इट्स डेरिवेटिव्स वो भी विल सफर इन द बिजनेस। आगे जाते हुए हमें लगता है इंडियन पब्लिक और इंडियन लेडीज की जो रुझान है वो टुवर्ड्स इक्विटी है, तो सिप्स आर द बेस्ट प्ले, और ये डॉलर वर्सेस इमर्जिंग मार्केट है, और आई एम रेडी टू पुट माय मनी ऑन इमर्जिंग मार्केट्स, तो हम तो कह रहे हैं शेयर बाजार लीजिए, सोने से दूर रहिए, इस कारण से अवॉइड टाइटन। अच्छा ओके, सोना मत खरीदिए, ठीक है ओके। इस बीच खबर जो आ रही है वो अनिल अंबानी ग्रुप की, उनकी AGM से रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर कुछ खबरें आ रही है, फटाफट हम खबरें आपके सामने रख दें, काम की खबरें। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो के बीच में सौदा जल्द पूरा होगा ऐसा अनिल अंबानी का मानना है, और साथ ही वो नवी मुंबई में लैंड डेवलप करने की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक में रिएक्शन है, ऐसी खबरें जो सबको पहले से पता है, नया कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, भाव बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बढ़ने दो, आपको उत्साह नहीं दिखाना है, उत्साह दिखाना ही है अगर आपको तो फिर एक शेयर में दिखाइए, और वो है ग्रेफाइट, ये शेयर लाइए आपके सामने। ग्रेफाइट का शेयर 1000 के पार निकलकर ट्रेड कर रहा है, 1005 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्यों उत्साह दिखाना है, क्योंकि उत्साह बड़े इन्वेस्टर्स में आ रहा है ग्रेफाइट को लेकर, एक ब्लॉक डील भी शानदार वाली, मतलब बढ़िया वाली, 6-7 लाख शेयरों का आईएस, 6,14,000 शेयरों का ब्लॉक होना मतलब छोटी बात नहीं है, 1005 के दाम पर, तो बड़े दिनों बाद ये एक्शन आता हुआ दिखा है वॉल्यूम का ग्रेफाइट में, और वॉल्यूम का अगर इतना बेहतरीन एक्शन हो तो स्टॉक क्या भागेगा, और यहां से ये राजेश पालिया साहब से पूछते हैं। राजेश जी जरा बताइए ग्रेफाइट के चार्ट देखकर क्या खरीदारी की जानी चाहिए इसमें, और यदि हाँ तो क्या टारगेट्स होंगे?
अनिल जी, अगर हम इसको देखें तो पिछले 10 दिन से स्टॉक एक 980 के आसपास एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। सो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम अभी आया है 1025 का लेवल अगर इसने क्रॉस किया तो मुझे लगता है यहाँ से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, फिर हमें यहाँ से 1100 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 1025 एक लेवल है जहाँ पे इसको हर्डल है, अगर वो क्रॉस करता है तो 1100 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। तो ये सलाह है ग्रेफाइट इंडिया पर जो अब 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड 1000 के ऊपर। लेकिन 10 की कमाई में अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आप कर सकते हैं निवेश। शुरुआत करते हैं भसीन जी के साथ, तो रुक करते हैं 10 की कमाई का। बताइए मिस्टर भसीन, निवेश के हिसाब से आपका दमदार स्टॉक। तो लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, आई थिंक ये स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ गई है आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 190, और वो वीकनेस इसलिए है क्योंकि होलसेल डिपॉजिट्स, होलसेल कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड। लेकिन इसका बिजनेस बहुत रोबस्ट है, लास्ट 2 क्वार्टर्स में इसने अर्निंग्स बहुत अच्छे दिखाई, नेट इंटरेस्ट इनकम्स हैव गॉन अप, और जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल हो रही है। पेडिग्री मैनेजमेंट है और एनीथिंग टू डू विद इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक रिटेल ग्रोथ ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। 190-195 का लक्ष्य है हमारा बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो लेने की चेष्टा कीजिए। तो खरीदारी की राय है एलएनटी फाइनेंस में इन स्तरों पर, ये मिस्टर भसीन का व्यू है। लेकिन राजेश जी के पास भी एक स्टॉक है 10 की कमाई के लिए, तो रुक करते हैं एक बार फिर से 10 की कमाई का। बताइए राजेश जी आपका स्टॉक। दीपाली जी, मेरा जो स्टॉक रहेगा वो है सनफार्मा। सनफार्मा में देखें तो एक मंथली चार्ट पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से सनफार्मा में शॉर्ट टर्म में जो टारगेट मुझे लगता है यहाँ से 695 से 720 तक के टारगेट यहाँ से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो सनफार्मा 650 के आसपास, 653 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी गिरावट अगर 640 तक भी आती है तो इसमें बाय पोजिशन बनाई जा सकती है। 630 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होंगे 695 और 720। तो ये राय है राजेश जी की, वो मानते हैं निवेश के हिसाब से सन फार्मा स्तर पर खरीदा जा सकता है। अभी 653 पर कर रहा है ट्रेड 8 रुपए की मजबूती के साथ, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक दमदार स्टॉक आपके लिए आ रहा है कुछ ही देर में। लेकिन राकेश जी कुणाल जी का ज्वाइंट वेंचर यानी एक स्टॉक जो निवेश के हिसाब से बेहतरीन रहेगा वो अब जान लेते हैं, और एक बार फिर से रुख करते हैं 10 की कमाई का। बताइए दिवाली जी, हमारा स्टॉक है शॉपर स्टॉप, 625 रुपए के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटेलिंग में मुझे लगता है अच्छी खासी री रेटिंग देखने को मिलेगी, जब से अमेजोन ने यहाँ पे स्टेक लिया था स्टॉक साइडवेज हुआ था, टेक्निकली एक मोमेंटम वाला काउंटर बना हुआ है और एक अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक का। नीचे में आप देखें तो 580 के अराउंड एक अच्छा बेस है, और मुझे लगता है इजिली यहाँ से 20 से 25% का इजाफा 7-8 महीने में यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाय करके चलना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए शॉपर स्टॉप एक ऐसा काउंटर है जिसमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, अगर आप इसको इसके पेयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि बाकी तमाम काउंटर्स में बड़ी तेजी आ चुकी है, जैसे कि डीमार्ट की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं उसमें बड़ी तेजी आई है, ट्रेंट में बड़ी तेजी आई है, लेकिन शॉपर स्टॉप ने बहुत समय से कंसोलिडेशन दिखाया है और मुझे लगता है कि अब 550 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आया है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 750 मुझे लगता है कि ये लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे, तो बड़े अग्रेसिव टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 560 के आसपास, 750 का टारगेट होगा, बाय करना चाहिए शॉपर स्टॉक। स्टॉप लॉस कितना बता रहे? 550 का। अरे बहुत दूर है सर, 75 रुपए। यानी जी पोजिशनल बेसिस पे तो स्टॉप लॉस इसी उस पर रखने होंगे, फिर भी बहुत दूर है। यानी जी ये स्टॉक ऐसा है देखिए जिसमें वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखें, छोटा करो सर। यानी जी जो स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट में फिर कोई लेगा नहीं सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अनिल जी 750 रुपए टारगेट, मैं 75 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस पे नहीं लूंगा। स्टॉप लॉस बड़ा है, लक्ष्य उससे भी कई गुना बड़ा होगा। देखिए 750 पहला टारगेट है, ये 900 भी पार कर सकता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से कि जिससे एक्सीडेंटली आपका शेयर एग्जिट ना हो जाए और किसी हल्की फुल्की वॉलिटिलिटी में कहीं आप बेच ना बैठे, इसीलिए बड़ा स्टॉप लॉस। 550 का स्टॉप लॉस है, 750 का टारगेट है। और रिटेल इंडिया समिट और एक्सपो 2018 ये 2 दिन के लिए आज से शुरू भी हुआ है, जहां पर रिटेल
जायंट्स मौजूद रहे, इन्होंने इनॉग्रेशन भी किया इस समिट का, तो रिटेल स्टॉक्स पर तो खबर भी है आज के सेशन में। लेकिन आप जान लेते हैं एक स्टॉक जो कि चलते चलते हम बताते हैं, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बताइए कौन सा स्टॉक? एक स्टॉक उस पर ज्यादातर वक्त फंडामेंटल राय कम सही पड़ी है और टेक्निकल और वायदा कारोबार की राय ज्यादा सही पड़ी है, और जिसमें हमेशा कुणाल जी और बंसल जी ज्यादा जीतते हुए हैं, और कभी कभार अगर सिमी जी आ जाए तो फिर कहना ही क्या। स्टॉक का आपको अंदाजा लग चुका होगा, एनी गेसेस? एसआरएफ, बिल्कुल। एसआरएफ में जोरदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है, स्टॉक 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 8% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक बढ़िया दौड़ लगाने को तैयार है। सबसे बढ़िया बात यह कि बाजार खराब हो इसको 2000 के नीचे जाना ही नहीं है, 2000 के ऊपर ब्रेकआउट देखे, ये जो आप बता रहे थे बीच में कि ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद अच्छे से टिक गया है, तो मुझे लगता है कि बचे हुए सेशन के लिए ये स्टॉक कमाल दिखा सकता है। रिस्क एक ही है बाजार की, लेकिन फिर भी स्टॉक में जो प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन दिख रहा है शायद और आगे बढ़ता हुआ दिखे। तो एसआरएफ के लिए अब लेवल्स मैं दूं ये तो ठीक है ही नहीं, तो आप लोग हैं तो आप ही को लेवल्स देने, आप बताइए क्या लेवल्स होने चाहिए। देखिए जी, मैंने कल भी इस पर बात की थी, कल शायद कॉल भी मैंने एसआरएफ पर बाय की दी थी, और जो स्ट्रक्चर है बेहद शानदार है, मुझे लगता है एसआरएफ बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए जो इवेंचुअल टारगेट है वो तो 2150 रुपए का है, जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आज के लिए ट्रेड किया है तो आपके लिए टारगेट होना चाहिए 2075 का, जो मुझे लगता है आज ही आना चाहिए। 2075 इसने पार किया तो 2100 दूसरा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 2015 के आसपास, थोड़ा दूर नहीं है। अनिल जी, स्टॉप लॉस 2015 का, 2021 का आजकल लो है, 2032 का कल का क्लोज है, मेरे ख्याल से 2030 के आसपास रख लेना ठीक है, ज्यादा दूर का रखना ठीक नहीं आज के मार्केट को सिचुएशन को देखते हैं, तो 2030 कर ले, 2030-32 की कल की क्लोजिंग है वो रख लें, और 2075-2095 है ना, ये दो टारगेट है। तो एसआरएफ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक स्टॉक जहां पर 2075 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, 1.5% ऊपर ये कर रहा है ट्रेड। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग है, इसीलिए एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं राजेश जी की, और वो स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर का। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड, इसका एक बार डेटा देखिए राजेश जी, और साथ ही देखिए चार्ट्स और बताइए क्या करना चाहिए। जी, प्राइस एक्शन से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाय करना चाहिए, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में इतना ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिला है फिलहाल। सो मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस तरीके का मोमेंटम इंट्राडे बेसिस पे आया है, मुझे लगता है यहां से और तेजी आनी चाहिए इसमें, और ये स्टॉक 900-910 की तरफ मूव करना चाहिए नियर टर्म में। सो करंट लेवल पे भी बाय पोजिशन बनाई जा सकती है, 860 का स्टॉप लॉस होगा और 900 का टारगेट होगा इसका अपसाइड का। तो ये राय है गोदरेज कंज्यूमर पर, इन स्तरों पर भी की जा सकती है खरीदारी। लेकिन सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं फिर से, और फिर एक बार रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। एसबीआई तो नीचे है ही, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक ये कमजोर हैं, और जो कमजोर सरकारी बैंक अब तो वो भी नीचे आ गया, अब क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? अलाहाबाद बैंक ये जैसे तुरंत प्रभाव से बेच देना चाहिए कमजोर सरकार, 100% सुबह ही बोला है, जहां खुले वहां बेचे, जहां गैप से मिल जाए बेच दीजिए, आज नहीं बिकेगा तो कल गिरेगा। देखो गिरना है तो इनको गिरना ही है, उसमें कोई सवाल नहीं। क्या आपको एक एग्जांपल बता दूं, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है अपनी गए, इंडियन बैंक ने एक कोशिश की ऊपर आने की, 314 वाले वापस 301 हो गया, तो जिसने खरीद लिया उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। आप केनरा बैंक देखिए, 264 वाला वापस 254, बाकी छोड़िए जिन खराब बैंकों के जो पीसीए में जिनको लग रहा है कि इनको फायदा होगा, मैं बता दूं आपको, यूनियन बैंक 82 का हाई है, 79 पे है अभी, आंध्रा बैंक 34 रुपए वाला 32 रुपए हो गया, बैंक ऑफ इंडिया 95 वाला 91-92 रुपए हो गया, ये टिकेंगे ही नहीं। आज तो गोल्डन चांस है धोने का इनको, जिनको मौका मिला धोइए, कुछ नहीं है, एक मर्जर करने में महीनों लग गए, और दूसरा करेंगे इस चक्कर में किसको ले। देखिए सबके चार्ट आप खोल के देख लीजिए, ये क्लियर कट सेल है, 8 बजे भी सेल था, 9:08 पे भी सेल है, और 10:20 पे भी सेल है। और कुछ लोग सोच रहे थे कि सरकारी बैंकों के लिए मर्जर पॉजिटिव है तो सरकारी बैंक दौड़ जाएंगे, लेकिन सुबह ही आपने कहा था कि सरकारी बैंकों पे अलर्ट रहिए, तेजी तो नहीं करनी, 3:30 बजे ना पता चलेगा किन भाव पे ये बंद होते हैं सब, कोई भी जहां खुला वहां बंद हो जाए तो बताइएगा आप मुझे, एक स्टॉक बता दीजिएगा जो जहां खुला। आखिरी उम्मीद जो तेजी करने वालों की वो है, वो शायद देना बैंक है, जो 20% के सर्किट पे लगा हुआ, वो भी आप देखेगा वाकई में सर्किट पे बंद होता है या उसकी सर्किट खुलती पता चल जाएगा, तो ये है मामला। तो कोई रीजन नहीं कि आप इनको कूद कूद के खरीदे, कोई रीजन नहीं है, इनको तो बेचना ही है, ये बहुत बढ़िया मौका है,
बेचने के लिए आपको गोल्डन चांस मिला है। लोग बिना मतलब सब पे बुलिश हुए जा रहे हैं, कोई वजह नहीं बुलिश होने की। आठ बजे भी यही बोला है, 9:08 पे भी यही बोला, अभी भी यही बोल रहा हूँ। इनको बेचना है मतलब बेचना है, जो भी खरीदने की राय दे रहा है गलत दे रहा है आपको। इन अ सेंस कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपनी जगह ठीक है। लॉन्ग टर्म की जो यहाँ पर है वो 2 साल प्लस है, 6-8 महीने में भी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और जो आप यहाँ पे आया हुआ है बाजार में वो तो इंट्राडे में भी चीज को मॉनिटर करता है, तो शॉर्ट टर्म भी खराब है, मीडियम टर्म भी खराब है यहाँ पर। इसीलिए तमाम स्टॉक्स देखिए ऊपर खुले जरूर थे लेकिन तेजी टिके नहीं, और अब दिन के निचले स्तर पर ये सभी सरकारी बैंक आ चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अब 11.5% लुढ़का हुआ है, तो ये हाल है। और इनफैक्ट सुबह का जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल सही थी, एफएमसीजी स्टॉक्स डे हाई पे, पीएसयू बैंक्स अवॉइड, और देखिए आप पीएसयू स्टॉक्स वो अभी भी अपनी तेजी को होल्ड करें। इस बीच एचपीसीएल पर एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, रेमी नैरो के नाम से पानी की बॉटल बेचेगी कंपनी, मतलब तेल के साथ साथ पानी अलग अलग दोनों अलग अलग बोतल में हो गई, चिंता एक्सचेंज हो गया था कभी एक्सचेंज हो गया था भाई, कलर नाम की भी कोई चीज होती दीपाली जी ठीक है, लेकिन दोनों अलग एक राय लेते हैं भसीन साहब से। भसीन साहब फटाफट बता दीजिए, एचपीसीएल का पानी बेचने का इरादा कैसा लग रहा है आपको? हाँ, तो एक दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दी आउटलेट, और आई थिंक अगर देखेंगे स्केलेबिलिटी क्या है, बट वॉल्यूम कैन बी गुड क्योंकि उनके जितने आउटलेट्स हैं इट विल बिकम अ नॉर्मल सिंक विद दैट। तो आई थिंक पहली बात तो मैं ये कहूँ कि तीनों ओएमसीज कोई भी डिक्लाइन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर सरकार ने इनको डॉलर का जो विंडो खोल के दे रहे हैं वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होएगा। देव बीन एबल टू पास ऑन ऑल द प्राइस हाइक्स, और डिस्पाइट ये इलेक्शन ईयर कैप आई थिंक वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये पानी वाला चीज देखेंगे कैसे प्ले आउट करता है, बट इट्स अ नॉर्मल सिनर्जी विद यू नो द अमाउंट ऑफ नेटवर्क जो उनका पास है, और जो उनके पास जितने उनके पास स्टेशन हैं, आई थिंक वो एक नॉर्मल एंसिलरी बिजनेस अच्छा हो सकता है जी। तो ये राय आपके लिए एचपीसीएल पर भसीन साहब की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। राजेश जी धन्यवाद, कुणाल जी और बंसल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।